मंच में आए इतना हसी बेटा मैं सिक्किम कैप्टन महाशय हेलो सेंटर एरिया से बॉल वापस होने लेकिन सात नंबर खिलाड़ी ते मिना एनएलएल कर ली थे बॉल मिना वापस बॉल लेकिन खिलाड़ी को तक आपको बेटा एक नंबर खिलाड़ी ने अपने कंट्रोल में बॉल के लिए कितने आया पास अंदर शूटिंग के माध्यम से कितने एमला में ना सामने में खिलाड़ी की बेटा हो जो किड़ा बॉल वापस हो रहे ना अभी पंद्रह नंबर खिलाड़ी ते बॉल में आरेश कलनी ते अपना बॉल सात नंबर खिलाड़ी आरेश कलनी एक खिलाड़ी इंदे बॉल बैक पास की एमरल ना बॉल छोटे पास के माध्यम से नौ नंबर खेलते हुए नौ नंबर फिर से गोलकीपर एरिया तक की बॉल की हिमाई है अभी गोलकीपर आयर पा पास की एमला नौ नंबर खिलाड़ी तक की हिमाई है नौ नंबर खेले पाला पास के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी बैक पास की एमर रही है छह नंबर खेलते हुए बॉल में छह नंबर खेली अपने कंट्रोल के लिए कितने सात नंबर खेली की हिमाई सात नंबर खेलते ना बोला एनएल कलनी टेबल में फिर से इगर नंबर खिलाड़ी के एमरी बॉल इगर नंबर खिलाड़ी आया पाकिन इधर में कोशिश ना अच्छी प्लेसमेंट की एमला बॉल खिलाड़ी लगी आपको साथी खिलाड़ी लगी पंद्रह नंबर खिलाड़ी के बॉल में ना पंद्रह नंबर खिलाड़ी अपने कंट्रोल के लिए कितने बॉल बहुत ही पास के अंदर बॉल है नाम ले डाल लेकिन आखिर सामना तो बॉल से नोयरा मैं तो आखिर थोड़ी सी बॉल आया पाकिन ताइगिना इंदु बोल कोई कामयाबी अगर आखिर नामे तिया आसा निराश हुआ है ना इब कोई कामयाबी कहीं नाम बिना मैं छोटे पास के मध्यम से अरे इस कलर नीचे बोल बिना इब अब शानदार शूटिंग शायद देखने को मिलवा ना इस मौका सुबह जागा रहे ना कि नमक रहा एक के माध्यम से वापस होने लेकिन बॉल अभी भी बॉल इंतजार में ना गया बॉल बस बार बार को कोशिश रहा वापस होने लगा बॉल को इन्हें लकलनी के लिए मौका किन नमक डाम थोड़ी मौका जरूर किन नमक डाम अपने साथी खिलाड़ी की थोड़ी मेंते थोकिन थोड़ा अपने कंट्रोल के लिए लॉस शूटिंग के माध्यम से एमला बॉल लेकिन एक पास की नहीं वापस होने लगा बॉल आया बॉल अनिश कलनी का अपने साथी के सेंटर एरिया में बॉल मिला सेंटर एरिया से वापस बॉल और आरिश कलनी थे ना बॉल मिला आरिश कलनी के लिए बॉल और ये गोल कीपर अपने काबू में रखते हैं प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ येलो कलर का जर्सी पहना हुआ टीम का ये शॉट को रोकने के लिए दस्तक देगा और जिस मुकाबला में काफी कुछ देखने को मिल रहा था पिछले एक पहला चक्र का मुकाबले में उसी तरीके से यहां पर सुपर फिर चक्र मारा देखना होगा ये मुकाबले में किस तरीके से येलो कलर का जर्सी अपने ब्लू कलर का जर्सी के ऊपर हावी होने का प्रयास को पूरा कर रहा है फिर से चला आरएच कॉलोनी की तरफ से सेंट्रल डिफेंडर ने निकाल दिया गेंद को और इसी गेंद को संभालने के लिए फिर से अपोजिट टीम के तरफ से खिलाड़ियों को काफी मेहनत करना पड़ा और उसी मेहनत के साथ फिर से आगे बढ़ने का प्रयास को पूरा कर चुका है टीम जीडीसीएमसी आईएनएल और सामने खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से गेंद को कंट्रोल करते हुए रोकने का प्रयास को किया आगे छोटा सा पास के जरिए तब्दील की है टीम आरएच कॉलोनी के खिलाड़ी उनके कदमों के नीचे गेंद संभाले कुछ देर तक मैदानी जम के आप अपने टीम के सभी खिलाड़ियों को तैनात करते हुए हालात है यहाँ पर चक्र न बनाते हुए
दर्शन यहाँ पर दिखाते हुए, और देखना होगा ये मुकाबला किस तरीके से पार होता है। इतना आसान नहीं होगा कोई भी ये मुकाबले में इतना आसान से जीत हासिल करने का मौका को पूरी तरह से प्राप्त कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर चाक्रमा तारीफ करना होगा GDCMC के खिलाड़ी को रोकने का प्रयास, GDCMC NINL कॉलोनी को। देखना होगा ये मौका को क्या गोल में कन्वर्ट कर पाएगा जर्सी नंबर 15 दूराभास के। बस के तैयार हो रहे हैं शॉट लेने के लिए NINL कॉलोनी की तरफ से। बेहतरीन क्या निकालने में कामयाब, अब दाहिने छोर से दीवार का दाहिने छोर से गेंद को शॉट किए, फिर से वापस आ रहे हैं जर्सी नंबर 6। गेंद तो रोके लेकिन कंट्रोल सही तरीके से हुआ नहीं, जिसके वजह से अभी भी गेंदे साथी खिलाड़ी को देने में थोड़ा सा मजबूर हुआ टीम NINL के सेंट्रल फॉरवर्ड ने, और जिसके वजह से फिर से गेंद को नियंत्रण करते करने से पहले गेंद स्पष्ट रेखा पर त्याग किया। इस तरीके से देखा जाए तो पहले यहां पे दोनों टीम के बीच में धीरे धीरे उष्मा का भरते हुए अपने शरीर के अंदर वार्म अप का थोड़ा सा पहले हाफ पे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हाफ में इतना रफ्तार उनको जीत दिलाने में थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगा। लेकिन देखिए ये दोनों टीम दोनों के प्रयास कहां तक पहुंचने का प्रयास को पूरा करेगा वो देखना होगा। इस तरीके से फिर से आक्रमण अपने सीने से लगाते हुए टीम GDCMC के जर्सी नंबर 11 गेंद के साथ अपने साथी खिलाड़ी का ढूंढ निकाले और पास के साथ खुद निकले आगे और शॉट लेने का प्रयास भी किया थे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन उसी शॉट को बेहतरीन तरीके से इंटरसेप्शन करते हुए RH कॉलोनी के खिलाड़ी आगे निकल पाने में कामयाब हुआ। पहली बार पहले आपका समझता हूं कि RH कॉलोनी के खिलाड़ी इंसाइड की नजदीक की पहुंचने का प्रयास को पूरा किया, फिर से आक्रमण बनाने में तैयार हो रहा है टीम RH कॉलोनी। देखना होगा कि यह शॉट को एक बेहतरीन सफलता का सीढ़ी बना सकता है और उसी के साथ एक चक्र व्यूह बना चुका है टीम RH कॉलोनी FC। और ऐसा उछाल रहा है डिफेंडर ने गेंद को स्पर्श किया और जाने दिया सीमा रेखा के बाहर। इस तरीके से और काफी देर का भी मौका को किस तरीके से पूरी तरह से फुटबॉल में चर्चित कर पाता है देखना होगा। सब देख रहे हैं कनौकी के स्पेशलिस्ट पहला हाफ में ये मिलता हुआ पहला कनौकी टीम RH कॉलोनी के लिए। RH कॉलोनी के लिए सुंदर मौका जिन नामागा शानदार शूटिंग के माध्यम से एवं अभी तक विसलिंग नहीं था और फिर भी मौका मिल रहा है RH कॉलोनी के लिए। सुनहरे मौका को कमाना शायद नहीं चाहेंगे RH कॉलोनी की ओर से, जिसकी वजह से पहले गोल कीपर अपने काबू रखते हुए बॉल को वापस अपने एरिया से डेंजरस एरिया से बॉल को आगे देते हुए अपने खिलाड़ी का सामना फिर से वापस करते हुए दो नंबर खिलाड़ी के लिए। लेकिन वह खिलाड़ी आया था लेकिन सब देर बॉल अभी अकिंदर बॉल में आया है कॉलोनी के बॉल 15 नंबर खिलाड़ी लेकिन देर बॉल छोड़ कर आया पर कोशिश ही करे लेकिन बहुत अच्छी पास पास के नियम ला लेकिन खेल अपने कंट्रोल के निकले के बॉल और दो नंबर के लिए शानदार शूटिंग का देखने को मिला और एक बार दूसरे वापस किए इसको याद था जितना अच्छा शॉट था उतना ही अच्छा बचाव वहां पे डिफेंडर के द्वारा। एक तरफ से आक्रमण दूसरी छोर से प्रत्याक्रमण जिसके फल के स्वरूप मिलता हुआ और एक कॉर्नर किक टीवी NINL कॉलोनी को। क्या ये गोल भी कन्वर्ट हो पाएगा इसके लिए एक क्रॉस का शॉट हेडर हो लेकिन दिशा पकड़ नहीं पाया और धीरे धीरे गोल लाइन के आसपास से फिर से वापस करने का प्रयास को पूरा कर रहा है GDCMC NINL कॉलोनी। प्रतिपक्ष टीम जितना भी प्रयास कर रहा है और जितना भी तारीफ करेंगे उतना ही कम होगा। मौके के साथ यहां पर मिलता हुआ और एक अपोजिट छोर का कॉर्नर किक प्रस्तुत हो रहा है टीम NINL। देखना होगा मौल मौका मिला है उसको इस कॉर्नर किक में किस तरीके का फायदा ले पा रहा है। लंबा शॉट लाएगा भी वाइड जिसके वजह से इस समय विद्यार्थी खेल सही तक किए क्यों भी पहुंच गए से गोल और तलाश ने फराला हुसैन आवाज और किक ऑफ कर दी टीम RH FC प्रतिपक्ष टीम रहा है। समक्ष रही टीम GDCMC एवं बहुत बड़ा सामान्य मात्र किसी संकीर्ण अपेक्षा करती गोटे शॉट देवा टीम NINL कॉलोनी तरफ पुनर्बार प्रत्येक टीम को निजर खराई पचर पचर आसी निजर स्थान नहीं बॉल को नियंत्रण करने एवं खेल को संपूर्ण भाव में नियंत्रण करने समाज सहित गतिविधि को जो देखा कमेटी
जय जगन्नाथ हे चटाक जो सुर संगी खन दर्शक दर्शी को जो फुटबल टूर्नामेंट जो बाजे किंतु फुटबल टूर्नामेंट टीम बना चैंपियन तीन जो नपाय मैच को जिला नित टीम भितर रोमांच खेल चलू किंतु गोल दबल बाबो दाना टाटा को मेना गोल फराम खान बल खेल में सब समस्त शिक्षक निशा जहां राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रोहित कुमार बेहरा तो नोट करी से कमेटी बहुत आसी निज आसन ग्रहण करेंगे धन्यवाद सर तक सहित उत्साह पर निश्चित भाव प्रत्येक वर्ष जमी टूर्नामेंट अंतिम दिवस सहित टूर्नामेंट सहित जड़ित होता रोहित कुमार बेहरा सर बाबू जाएगा
कंसोलेशन प्राइज के लिए टीम कप्तान ऑफ एसआरसी सुकिंदा के कप्तारा के पहुंच चुके हैं। मैं प्राइज सेरेमनी को संचालन करने के लिए गुजारिश करूंगा छोटे भाई रंजन कुमार महारानी को, और स्टेज के ऊपर जाएंगे। बिल्कुल प्रेम दा एंड कंसोलेशन व्यू आप मैडम स्वर्णलता मनवान को अनुरोध करीबी प्लीज मुख्य मंच पर आसंतु एवं आपंत्र शुभोस्त्र यही सांतरा मूलक पुरस्कार को प्रदान कर जाता है। एसआरसी सुकिंदा टीम का कप्तान आसी पहुंची चंदी सुंदर मैच सुंदर परफॉर्मेंस थी किंतु फुटबॉल मैच है जन को हरिबा को पड़े एवं जन को जीतबा को पड़े किंतु यही फुटबॉल टूर्नामेंट रे हर थवा टीम को सांतर मूलक पुरस्कार प्रदान करा जाउ छी पीपीजेएन एवं पीपीपी कलिंग नगर तरफ थरो ठीक है दुला प्रण में दुला हजार हजार संख्या में दर्शकों का समागम सते को विश्व कप को लेकर हो गई बहुत बहुत धन्यवाद देखो सुनलता वनवान को पूरी तरह अनुरोध करीबा अपन आसन को अनुरोध करिया पाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ और एक